हेलो दोस्तों, तो फिर से आ चुका हूँ नए प्रोजेक्ट के साथ नया वीडियो लेकर। आज जो प्रोजेक्ट की बात करने वाला हूँ काफ़ी प्रीमियम प्लस लग्जरियस, आप बोलोगे काफ़ी ही लग्जरियस प्रोजेक्ट लेके आया हूँ आपके लिए, जो कि 27 माले का टावर आने वाला है। इसके अंदर आपका जो पहला माला रहेगा कमर्शियल रहेगा और सेकेंड फ्लोर पर आपका चिल्ड्रन मतलब बच्चों के खेलने के लिए जगह रहेगा। पूरा फ्लोर आपका बच्चों के खेलने के लिए जगह मिलेगा। और जो इसकी एमिनिटीज है जैसे कि रूफटॉप गार्डन, जिम, जिम में दो टाइप के जिम है इसके अंदर, आउटडोर जिम, इंडोर जिम, फिर स्विमिंग पूल हो गया, सिटिंग लॉन्ज हो गया, मतलब सारी एमिनिटीज जो भी रहेंगे, मतलब बेसिक एमिनिटीज और लग्जरियस एमिनिटीज सारी आपको रूफटॉप पे मिलेंगे। और इसके अंदर आपको कॉन्फिग्रेशन की बात करूँ तो 1 और 2 BHK का कॉन्फिग्रेशन आपको मिलने वाला है। तो आपको मैं स्टार्टिंग से इसका विजिट करा रहा हूँ फ्लैट का, जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ 2 BHK के बारे में। तो आइए आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। तो जैसे कि मैंने बोला था आपको, मैं 2 BHK का फ्लैट बताऊंगा। ये जो फ्लैट है आपका 2 BHK का एक्चुअल फ्लैट रहने वाला है, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं इसके अंदर कॉन्फिग्रेशन जो अवेलेबल है 1 और 2 BHK। 1 BHK का कारपेट एरिया जो आएगा आपको 510 का, और 2 BHK का आपको कारपेट एरिया आएगा 681 यूजेबल कारपेट। अगर जोड़ी फ्लैट अगर चाहिए, मतलब किसी क्लाइंट को अगर जोड़ी फ्लैट का रिक्वायरमेंट है, तो हर टाइप का इसके अंदर जोड़ी फ्लैट अवेलेबल है। 1+1, 1+2 या 2+2, हर जोड़ी फ्लैट अवेलेबल है। तो ये आपका हॉल है, आप देख सकते हो काफी स्पेशियस हॉल है, मतलब इसका आप हाइट भी देखोगे ना हॉल का तो भी काफी बड़ा है। और जो विंडो दिया हुआ है वो फुल साइज विंडो, जैसा कि बॉम्बे साइड यूज होता है ना, वैसा इधर विंडो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है इसके अंदर। एक बार इनको छज्जा भी दिखा दीजिएगा, जहां पे आपका फ्लावर पॉट अटैच करके मिलेगा, और उसके अंदर भी आपको पानी डालने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा मतलब प्रोसीजर किया हुआ है, काम किया हुआ है कि पानी ऑटोमेटिक भी दिया जाएगा। तो यहां से आप अंदर आओगे तो सबसे पहले आपका लेफ्ट साइड में कॉमन बेडरूम रहेगा, जो कि आप देख सकते हो वो भी फुल साइज विंडो के साथ दिया हुआ है। फाइनल टचअप बाकी है, मतलब पूरा काम हो चुका है लेकिन फाइनल टचअप बाकी है। इसके लिए आप देख सकते हो सामान वगैरह पड़ा हुआ है। तो राइट साइड में आप किचन, सबसे मेन चीज इसके अंदर किचन कॉन्सेप्ट है। आप किचन देखोगे, किचन इसका एल साइज में है, और मतलब नीचे के जो मॉड्यूलर वर्क देख रहे हो, ऊपर के मॉड्यूलर वर्क, ये दोनों चीज किए रहेंगे इसके अंदर। तो आप एक बार किचन का पूरा व्यू देख लीजिए। घर के लेडीज को ये फ्लैट काफी पसंद आएगा, क्योंकि आपको पता है कि किचन सबसे ज्यादा प्यारा होता है उनको। तो ये किचन का काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया हुआ है, और यहाँ पे वॉशिंग मशीन का भी स्पेस अलग से प्रॉपरली दिया हुआ है। किचन आपको कौन से भी प्रोजेक्ट में देखने नहीं मिलेगा, ये पहला प्रोजेक्ट है जो इतना बड़ा किचन आपको प्रोवाइड कर रहा है। ये पैसेज से पास हो गया तो आपका पहला कॉमन वॉशरूम है, जो कि फिटिंग तो आपका लगना बाकी है, बट आप साइज देख सकते हो काफी बड़ा है। और जैसे कि कॉमन वॉशरूम से बाहर निकलोगे, ये आपका मास्टर बेडरूम है, जिसका साइज आप देख सकते हो काफी स्पेशियस है, 13x10 के लगभग रहेगा, मतलब 13x10 में तो अप्रोक्स बोल रहा हूँ, उससे भी बड़ा हो सकता है थोड़ा। और इधर भी आपका फुल साइज विंडो है और छज्जा स्पेस के साथ, और ये आपका मास्टर बेडरूम का भी साइज आप देख सकते हो काफी स्पेशियस है। बन जाते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले वीडियो के स्टार्ट में बोला था, काफ़ी लग्जरियस प्रोजेक्ट आपके लिए लेके आया हूँ। लग्जरियस इसके लिए बोला था, इसका फॉल सीलिंग हाइट, मतलब जो हाइट है वो भी आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा है, फुल साइज विंडो यूज हुआ है, छज्जा स्पेस अलग से दिया हुआ है इसके अंदर। इसके अंदर आपको मॉड्यूलर वर्क इतने बड़े किचन में प्रॉपर किया रहेगा, प्रॉपर मतलब ऊपर की कैबिनेट और नीचे की कैबिनेट दोनों बना के मिलेंगे। और आपको इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे कि दोनों बेडरूम में एसी और एक हॉल में एसी भी लगा के मिलेगा। ये प्रोजेक्ट का आपको और डिटेल्स, मतलब ब्रोशर चाहिए रहेगा या फिर कुछ भी साइट विजिट आपको करना रहेगा, तो आप मुझे नीचे दिए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।